हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक एंड टेक वर्ल्ड, और आज से जो है हम कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जो हम जो है आज हमारा फोकस होगा वो होगा HTML5 पे। सो ये जो है ये कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स का पार्ट वन है, HTML5। और इसके बाद फिर पार्ट टू में हम CSS, और पार्ट थ्री में जो है हम HTML और CSS को कंबाइन करके वेबसाइट्स बनाएंगे, और पार्ट फोर में जो है जावास्क्रिप्ट, और पार्ट फाइव में जो है तीनों को मिला के एप्लीकेशंस, और एक लास्ट में एक स्टनिंग वेबसाइट बनाएंगे। चाहे जो हमारे जो लेक्चर वन के टॉपिक्स हैं वो है कि पेज टाइटल टैग इन HTML, के टाइटल का टैग क्या होता है HTML में, पेज आइकन टैग जो है वो क्या होता है HTML में, मेटा टैग, मार्की टैग, आल हेडिंग टैग्स, आल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, इमेज टैग और लिंक टैग। HTML यूज़ करने के लिए आपको किसी खास एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है विंडो में सिंपली नोट पैड को भी यूज़ कर सकते हैं। ये नोट पैड जो है एज ए बिगेनर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नोट पैड को यूज़ करें, कि आप HTML टैग्स को लर्न करें और आप उसको सीख जाए। अगर आपने इससे पहले HTML किया है तो देन मैं सबलाइम को रेफर करूँगा कि आप जो है सबलाइम यूज़ करें। ये इजी टू यूज़ है, और इसमें जो है बाई डिफ़ॉल्ट इसमें जो है टैग्स बने हुए, आपको सिर्फ उसका नाम लिखना है तो वो खुद बहुत आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML स्टार्ट करने से पहले आपको HTML की फ़ाइल सेव करनी पड़ेगी। तो सबलाइम में सेव करने का तरीका ये है कि फ़ाइल में जाके आपने सेव का जो जो ये ऑप्शन है या ये इसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+S है। आपने यहाँ पे जाके इसको सेव करना है। तो हमारा जो आपने फ़ाइल को नेम देना है, तो चले हमने नेम दिया HTML5 का हमने नेम दिया है। और इसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .html। HTML फाइल का एक्सटेंशन आपने याद रखना है हमेशा, आपने .html का, अगर आपने HTML की फाइल में काम करना है तो आपने HTML का एक्सटेंशन लगाना होगा। ये जो है ये फाइल सेव हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं। HTML को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले जो है ब्राउज़र को समझाना पड़ेगा कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो हम HTML का करंट वर्जन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए डॉक टाइप HTML, इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ कि ये क्या चीज़ है। HTML स्टार्ट करने के लिए आपको एंगुलर ब्रैकेट्स में जो है HTML का टैग आप देखिए। सबलाइम में ये फ़ायदे है कि आप HTML लिखने से इसका मुकम्मल जो कॉन्टेक्स्ट है वो आ चुका है, इसका जो ऑल ओवर कॉन्टेक्स्ट है वो आ चुका है। सो ये इसका फ़ायदा है। ये HTML का स्टैंडर्ड सेंटेक्स है, HTML का टैग, ये इसका ओपनिंग टैग है, और इधर जो है हेड, ये हेड भी, इसके बाद HTML के जो मेन टैग के बाद हेड का टैग यूज़ होता है। और हेड में हम टाइटल, मेटा टैग, और जो हम आइकन, और जो हम पेज का जो आइकन है वो सब हम टाइटल के वो सब हम हेड में यूज़ करते हैं। उसके बाद हेड को क्लोज करना पड़ता है, फिर उसके बाद बॉडी का टैग है, और बॉडी का क्लोजिंग टैग और HTML का क्लोजिंग टैग, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अच्छा, हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है HTML पेज टाइटल। तो टाइटल के लिए आप यही टाइटल का टैग यूज़ करेंगे जो कि हेड में हमने यूज़ किया है टाइटल का टैग। और आपने इस टाइटल के टैग के अंदर जो है जो भी आप अपने पेज को जो भी टाइटल देना चाहते हैं आपने इस टाइटल के टैग के अंदर देना है। चलिए हम देते हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स। सही, हमने दिया वेब डेवलपमेंट कोर्स। सही है, इसको आपने Ctrl+S के, जब भी आप कोई फॉर्मेट है, जब भी आप कोई अपडेटिंग करेंगे अपने HTML के फाइल में, तो आपने उसको सेव करना है, वरना ये आपके लिए ब्राउज़र में उसको शो नहीं करेगा। हम इसकी फ़ाइल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स, ये आपके लिए इस नाम से जो है ये अब इस पेज का टाइटल आ गया है। चले अब ये जो है ये मैंने इससे पहले जो है ये आइकन इधर इंटीग्रेट कर दिया था, लेकिन इधर जो है इधर एक वाइट सा आइकन आएगा, एक वाइट सा इधर एक ग्लोब का और ब्राउज़र का एक आइकन आएगा, इधर इस तरह का आइकन मौजूद नहीं होगा। आपने यहाँ पे ये आइकन कैसे लेके आना है उसके लिए
हम यूज़ करते हैं हेड में ही लिंक का टैग हम यूज़ करते हैं। लिंक का टैग लिखने के बाद आपने उसका रिलेशन शो करना है कि आप जो चीज़ इस डॉक्यूमेंट में आप जो चीज़ इंटर कर रहे हैं उसका इस डॉक्यूमेंट के साथ रिलेशन क्या है। तो रिलेशन जो है इसका शॉर्टकट आइकन का रिलेशन है। और आपने जो है उसके बाद उसका सोर्स दे देना है कि ये कहाँ पे पड़ा है। सो ये मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा है और डेस्कटॉप में जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ और ये इसकी लोकेशन है और ये इसका नाम है और ये इसका एक्सटेंशन है। आपने ये सब जाके दे देना है। तो स्लैश और इधर में मैंने इस टैग और उसका जो एक्सटेंशन है वो हमने लगा दिया है और सेव कर दिया है। सो ये जो है ये इसी तरह इधर जो है अब ये आइकन आ चुका है। अगर इसके एक्सटेंशन .png में नहीं है और इसके एक्सटेंशन .ico में है आइकन, लेकिन वैसे मैं प्रेफर करूँगी कि आप इधर .ico का एक्सटेंशन लगाएं क्योंकि आइकन है। तो आप आइकन का जो एक्सटेंशन ICO में होगा तो आपने टाइप में लिख देना है image slash x आइकन। इससे उसको पता चलता है कि ये आइकन है और ये शॉर्टकट ये जो है ये छोटा आइकन ये जो है ये जो ये फेवी आइकन है ये जो ये टाइटल का पेज के टाइटल का आइकन है। इसके बाद जो है मेटा टैग है। मेटा टैग क्या काम करता है? मेटा टैग जो है गूगल में आपकी वेबसाइट की जितनी रैंकिंग होती है या आपका वेबसाइट जो है गूगल में जो है फ्रंट पेज में जो कीवर्ड्स के थ्रू आपका जो वेबसाइट है वो जो गूगल के फ्रंट पेज में आता है ये सारा काम मेटा टैग करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर लिख दिया कि MCQs प्लानेट सी। अब ये मैंने कीवर्ड लिखा है MCQs प्लानेट। अब गूगल जो है इस कीवर्ड को सर्च करके उसके रिलेटेड जितने भी साइट्स और पेजेस है वो सब आपके लिए शो करेगा। तो ये जो MCQs प्लानेट है और इसने जो MCQs प्लानेट का कीवर्ड, तो इस वेबसाइट में जो है किसी ने ये MCQs प्लानेट का कीवर्ड इंटीग्रेट कर दिया है। सो जो ये कीवर्ड है ये मेटा टैग में इंटीग्रेट है। इसके साथ जो डिस्क्रिप्शन है ये सारी की सारी ये सारा काम जो गूगल में जो आपकी SEO, इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है, लेकिन अभी जस्ट शॉर्ट क्योंकि मेटा टैग गूगल SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मेटा टैग जो है आप कैसे इसमें आप कीवर्ड्स देंगे। सो उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज होता है नेम के नाम से और कीवर्ड का आपने इसमें जो है वो लिख देना है कि जो हमारा जो पहला एट्रीब्यूट है वो कि कीवर्ड का है, क्योंकि गूगल आपके इसी मेटा नेम को सर्च करके आपके लिए उस पेजेस को शो करेगा। कीवर्ड्स है तो कीवर्ड्स हमारे हमारी जो वेबसाइट है वो किस चीज़ के बारे में, हमारी वेबसाइट जो है वो HTML5 के बारे में है, CSS के बारे में है और जावा स्क्रिप्ट के बारे में है। इसी तरह वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में है, वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में है। और आपने जो है लिंक के आपने मेटा टैग को उसी के टैग के अंदर ही आपने लास्ट में हैश का साइन लगा के आपने इसको बंद कर देना है। उसके बाद मेटा टैग में जो है फिर से आपने नेम लिखना है और आपने डिस्क्रिप्शन जो कि अभी हमने देखा जो कि लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन शो हो रहा था इसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये जो है ये डिस्क्रिप्शन है तो ये जब आपने शो करनी है तो इसके लिए आपने मेटा नेम और नेम में आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है और कंटेंट में आप अब जो डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो चले मैं ऐसे इसको कॉपी कर लेता हूँ। और आपने जो भी डिस्क्रिप्शन देनी है तो आप ऐसे इधर डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और आपने इसको ऐसे सिंपली क्लोज कर देना है। उसके बाद जो मेटा टैग है उसमें आपने अथर का नाम देना है। अब जो अथर है और कंटेंट का एट्रीब्यूट है उसमें आपने अथर का नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल हमारा जो है टैग वर्ल्ड जो है वो अतर है और आपने इसको इधर क्लोज कर देना है। इसके बाद जो है मेटा HTTP एक इसका क्या मतलब है? एक जो है देखें एक चीज़ हम देते हैं जिसे हम बार बार अपडेट नहीं करते, जैसे कि कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन अतर, इसको हम एक बार दे देते हैं और इसी कीवर्ड्स और इसी डिस्क्रिप्शन को आपका जो गूगल है वो बार बार यूज़ करता है और इसी के रिलेटेड आपकी वेबसाइट होती है। लेकिन एक चीज़ जो है जिसे हम बार बार अपडेट करते हैं सो उसके लिए हम HTTP एक वेब का जो एट्रीब्यूट है मेटा में वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अपने पेज को रिफ्रेश करना है हर 50 सेकेंड्स के बाद। सो ये जो है अब ये अपडेटिंग हो रही है तो ये अपडेटिंग जो है वो आप HTTP इक्विप के टैग के एट्रीब्यूट के थ्रू करेंगे। अब
इसके बाद जो है हमारे साथ मेटा में, हम अगर हम अपने कंटेंट को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम HTTP, इसका मतलब है कि इससे पता चलता है ब्राउज़र को कि आपके जो कंटेंट का टाइप है, गूगल को पता चलता है कि आपके जो कंटेंट का जो टाइप है वो क्या है, और कंटेंट हम अपडेट करते रहते हैं, तो इसलिए हम इसको HTTP, एक वेब का जो एट्रीब्यूट है मीटर टैग का, हम इसको उसमें लिखते हैं। और उसके बाद जो कंटेंट है कि ये जो कंटेंट है, ये जो फाइल है जो कि हम अपडेट कर रहे हैं, वो कौन सी फाइल है, वो टेक्स्ट की फाइल और HTML की फाइल है, ये हम उसके बाद जो कंटेंट में हम इस चीज़ को हम मेंशन करते हैं। और आखिर में जो है हम करेक्टर सेट, क्योंकि इसका ये एक यूनिकोड है, UTF-8, ये स्टैंडर्ड यूनिकोड है, आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप इसको गूगल में पढ़ सकते हैं कि ये UTF-8 क्या है। इससे आपके डॉक्यूमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में शो होते हैं, ब्राउजर्स में, डॉक्यूमेंट्स में, या जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो भी। तो ये करेक्टर सेट वो आपके उस डॉक्यूमेंट को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में शो करता है। उसके बाद जो है यही मीटा का, आप हमें यही मीटा का टैग यूज़ करते हैं, फिर से HTTP एक वेब का जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ करेंगे। और इसमें जो इस बार कंटेंट, हमारी जो कंटेंट की जो लैंग्वेज है वो क्या होगी, तो इसके लिए जो है हम अपनी कंटेंट की लैंग्वेज को भी हम अपडेट करते रहते हैं, तो इसलिए इसको भी HTTP एक वेब में हमने लिखे। और हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो लैंग्वेज है वो कौन सा है, वो इंग्लिश, यूएस की इंग्लिश, आप यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, और आप इसको सिंपली यहाँ पे जाके क्लोज कर देंगे। जो लास्ट और जो इम्पोर्टेंट है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए जो टैग यूज़ होता है, क्योंकि आपका जो वेबसाइट है या आपका जो पेज है वो जो है वो मोबाइल में वो कैसे दिखाई देगा, वेबसाइट्स में या वो PC में, टैबलेट में, उसके लिए जो है एक टैग यूज़ होता है। और हम रिस्पॉन्सिवनेस एक बार अपनी वेबसाइट में उसको इंटीग्रेट करते हैं, इसलिए हम नेम का एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके लिए यूज़ होता है व्यू पोर्ट, और कंटेंट में जो है हम लिखते हैं विड्थ, और विड्थ वो बराबर करते हैं डिवाइस माइनस विड्थ के, जो डिवाइस की जो विड्थ है उसको, जो ओरिजिनल वेट जो है उसको डिवाइस माइनस विद मीन्स कि डिवाइस की जो वेट है और जो हमारी जो करंट वेट है उसको उसके बराबर कर दो। जो अगर जो वेट मोबाइल की है तो ये खुद इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए मोबाइल के वेट के मुताबिक हो जाएगा। और उसके बाद इसकी जो जूमिंग का स्केल है वो आप क्या करें, ये जो है ये जूमिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इनिशियल माइनस स्केल इक्वल्स टू 1, जो भी है मोबाइल में जिस फॉर्मेट में भी आप इसको दिखाना चाहते हैं, PC, लैपटॉप, टैबलेट, वो उसकी जो इनिशियल स्केल जो होगी, उसकी जो व्यू होगी वो जूम नहीं होगी, वो जो है वो 1 ही रहेगी, जो इसकी जो ओरिजिनल व्यू है। अच्छा, ये था मेटा टैग के बारे में। अब जो है चलते हैं मार्की टैग के बारे में, क्योंकि मार्की टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, मार्की टैग को हम बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं, और मार्की टैग को यूज़ क्यों करते हैं, जब हम किसी टेक्स्ट को मोशन देते हैं या हम किसी टेक्स्ट को स्क्रॉल करते हैं, अगर आपने न्यूज़ की वेबसाइट्स देखी हो उसमें टेक्स्ट जो है वो मोशन करता रहता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ टेक एंड टेक वर्ल्ड, ये जो है ये अब हमने मार्की टैग में लिख दिया है, और इसको हमने सेव कर दिया है, और अब जो है हमने ब्राउज़र को रिफ्रेश कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि इधर जो है ये टेक्स्ट जो है ये मूव कर रहा है। आप टेक्स्ट के बजाय यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हैं। चले इमेज, तो इसमें जो हमारा इमेज का जो टैग है वो भी कवर हो जाएगा। इमेज जो है, इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपने इमेज का टैग यूज़ करना है, और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, आप इसको इसके अंदर ही क्लोज कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो HTML5 में बाई डिफ़ॉल्ट ये क्लोज हो जाता है। सोर्स जो है, अभी हम इससे पहले हम जो आइकन की पिक्चर दे चुके हैं, तो हम इसी सोर्स को कॉपी करते हुए इसी सोर्स में इसको पेस्ट कर देंगे। और सेव करने के बाद इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि अब आप इस तरह पिक्चर आपकी मूव कर रही है। चले अब जो पहले मार्की टैग के एट्रीब्यूट्स देखते हैं। इसका जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है अभी ये लेफ्ट से आ रही है और हम चाहते हैं कि ये राइट से आए, तो हम डायरेक्शन को राइट कर देते हैं और ब्राउज़र में चेक करते हैं, तो ये आपकी पिक्चर जो है वो अभी राइट से आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि ये पिक्चर जो है ये पिक्चर डाउन से आए, डाउनवर्ड से आए,
सो आप इसको इधर से, तो ये पिक्चर जो है ये आपकी डाउनवर्ड की जानिब आएगी। अब आप जो है अपनी मार्की टैग की हाइट भी जो है वो भी सेट कर सकते हैं जी। आप अपनी मार्की टैग की हाइट भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी हाइट सेट कर दी 500। सो आप जो है अब ये 500 की हाइट तक जो है ये अब नीचे आएगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाएगा। अब इसके अलावा आप इसकी विड्थ भी जो है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इसकी विड्थ भी आप 500 डिफाइन कर सकते हैं और आप इसकी डायरेक्शन को लेफ्ट कर दें। सो ये जो है ये आपके लिए अब विड्थ में जो है ये आपके लिए अब मोशन करेगा। आप देख रहे हैं इसकी विड्थ जो है 500 है। इसके अलावा आप इसकी स्क्रोल अमाउंट, आप इसकी स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है स्क्रोल अमाउंट के नाम से। और इधर जो है इधर आप इसकी स्पीड को मेंशन, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी स्पीड को मेंशन 70 कर दिया है। तो ये जो है ये देख रहे हैं ये अब 70 की स्पीड से ये अब स्क्रॉलिंग कर रहा है। आप इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए BBG का जो है एट्रीब्यूट यूज़ होता है और मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड। अब आप ब्राउज़र में इसको जाके चेक करें। सो इसका जो बैकग्राउंड कलर है जो इसकी विड्थ और हाइट के मुताबिक वो जो है ये शो हो रहा है। आप इसको मार्जिन भी दे सकते हैं। उसके लिए एट्रीब्यूट यूज होता है वी स्पेस। आप इसको उसे मार्जिन भी दे सकते हैं। अगर आपको वर्टिकली मार्जिन देना है, मुझे वर्टिकली 50 मार्जिन देना है। सो ये जो है ये अब वर्टिकली जो है ये 50 के मार्जिन पे आ जाएगा। आई थिंक सो मैंने ये गलत लिखा है, वी स्पेस। अभी जो है अभी ये 50 के मार्जिन पे आ जाएगा। ऊपर से देखिए इसकी वर्टिकली 50 इसकी मार्जिन आ गई है। आप इसको जो है एच स्पेस भी कर सकते हैं। एच स्पेस इक्वल्स टू आप इसको हॉरिजेंटल स्पेस भी दे सकते हैं। 50 हमने इसको हॉरिजेंटल स्पेस दे दी है। आई थिंक सो फिर से मैंने टैग गलत लिखा हुआ है। वी स्पेस आप इसको स्पेस भी दे सकते हैं। इसको रीलोड करने के बाद इसको हॉरिजेंटल स्पेस भी मिल चुका है। आप इसकी स्क्रॉल अमाउंट, डायरेक्शन, हाँ इसका जो मेन है बिहेवियर, क्योंकि ये जैसे चले इसकी विड्थ को हटा देते हैं क्योंकि ये ऑल ओवर, और हाइट को भी हटा देते हैं। इसके एक और एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं बिहेवियर, कि इसका बिहेवियर क्या होगा। सो बिहेवियर जो है इसका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो स्क्रोल होता है, पर हम अल्टरनेट कर रहे हैं। अब आप देखिए अल्टरनेट का क्या मतलब है। ये जो है ये अब इस तरह, बल्कि ये डिसअपेयर नहीं होगा, ये आपके पेज में इस तरह शो होगा। अल्टरनेटिवली अगर आप इसको स्लाइड करना चाहते हैं तो ये एक बार जो है ये एक बार मूवमेंट करने के बाद ये खुद ब खुद यहाँ पे लास्ट पे आके स्टार्ट। अच्छा, तो जो मार्केट है का जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है लूप। लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी टेक्स्ट या इमेज को हम रिपीटेडली शो कराना चाहते हैं। जैसे कि अब मैं इस इमेज को दो बार जो है वो शो कराना चाहता हूँ। लूप का मतलब है रिपीटेशन, आप किसी चीज़ को रिपीटेडली शो। अब ये जो है अब ये पिक्चर दो बार शो हो गई है और ये जो इसके लिए हमने जो एट्रीब्यूट सेट किए थे बिहेवियर स्लाइड, उसके मुताबिक ये जो है ये स्टॉप हो गई है। ये जो थे ये हमारे साथ मार्केट टैग के एट्रीब्यूट से। आप इस पर प्रैक्टिस करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो देन आप मेरे साथ इसको शेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो है इमेज का जो पहला एट्रीब्यूट है, इमेज के टैग का जो पहला एट्रीब्यूट है वो है टाइटल। टाइटल जो है वो जो कि ये इमेज किस चीज़ के बारे में है, अगर आपको इसको शो कराना है तो इसको ब्राउज़र में जाके खुद चेक करते हैं। मैंने वो लूप स्टॉप नहीं किया। अब आपको इस इमेज के ऊपर जो ये टेक्स्ट नज़र आ रही है इसे टाइटल कहते हैं। लूप को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो इसके जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है आल्ट।
ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है? ऑल्ट एट्रीब्यूट जो है वो जब आपकी पिक्चर मतलब किसी वजह से लोड ना हो तो वो शो करता है कि ये पिक्चर किस चीज़ के बारे में है। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो है इस एक्सटेंशन में कुछ फ़र्क आ गई, सो आपको जो ऑल्ट का जो है वो शो करेगा कि ये पिक्चर देख रहे हैं आप टेक एंड टेक वर्ल्ड। सो जो ये बैकवर्ड पे जो ये पिक्चर और उसके साथ जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ ये ऑल्ट ये शो करता है कि ये पिक्चर किस चीज़ के बारे में है। सो ये जो थे ये हमारे साथ इसके एट्रीब्यूट्स थे। हाँ, आप इसकी विड्थ और साइज़ भी आप इसका विड्थ और साइज़ भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको इमेज का विड्थ और साइज़ चेंज करना है तो आप सिंपली विड्थ का जो एट्रीब्यूट है आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप विड्थ का एट्रीब्यूट यूज़ करके इसकी विड्थ को भी डिफाइन कर सकते हो। ये जो है आप इसकी विड्थ को ऐसे विड्थ और हाइट आप इसकी ऐसे विड्थ और हाइट और आप इसकी हाइट को भी ऐसे डिफाइन कर सकते हो। मार्की टैग, इमेज टैग और इन टैग्स के बाद जो हमारे साथ जो नेक्स्ट टैग है वो हेडिंग का टैग है H1। हेडिंग HTML में हेडिंग के लिए H टैग यूज़ होता है, H1, H2, H3। इसी तरह हमारे साथ HTML में 6 तक हेडिंग्स है, H2 है। HTML में 6 तक H2 है और हमारे साथ H2, H3, H4, H5 ये सब जो है ये हमारे साथ HTML में हेडिंग के लिए ये टैग्स यूज होते हैं। ये हेडिंग 1 और ये हमारे साथ हेडिंग 2 और ये हमारे साथ जो है हेडिंग 3 और ये हमारे साथ हेडिंग 4। इसी तरह से हेडिंग 5 और हेडिंग 6 को शॉर्टली इसका समझाना था। ये आप देख रहे हैं ये इसकी साइज़ से थोड़ी सी ज़्यादा, फिर ये स्मॉल, फिर ये स्मॉल, फिर ये स्मॉल, फिर हेडिंग 5 एंड 6 उससे भी स्मॉल। आप इसकी साइजिंग वो सब CSS से कर सकते हैं लेकिन वो जब हम CSS में जाएंगे उस तब करेंगे। इसके बाद जो है हमारे साथ जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए जो हमारे साथ यूज़ होते हैं उसमें जो है एक पैराग्राफ का टैग यूज़ होता है। पैराग्राफ का टैग जब हम कोई इस तरह का कोई टेक्स्ट जैसे कि पैराग्राफ होता है, हम कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं सो उसके लिए हम पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हैं। इसमें हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो आपने जब किसी किस्म का टेक्स्ट लिखना हो जो कि बहुत ज़्यादा लाइंस पे मुश्तमिल हो तो आपने पैराग्राफ का टैग यूज़ करना है। पैराग्राफ की एक अल्टरनेटिव टैग है जिसे प्री टैग कहते हैं। प्री टैग में ये बात है कि जिधर भी आप स्पेस देंगे तो वो आपके लिए खुद वहाँ पे जाके लाइन ब्रेक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि माई नेम ये जो मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया और मैंने यहाँ पे लिखा टैग एंड टैग वर्ल्ड। सो ये जो है ये आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्पेसिंग दे देगा। आप देख रहे हैं माय नेम इज़ और जितना हमने वापस स्पेस दिया है उतना इसने यहाँ पे स्पेस इसके लिए एज्यूम कर दिया है। और ये जो है ये अब मैंने इसको इधर कर दिया, अब आप देख सकते हैं कि ये इसके नीचे आ गया। सो ये जो है प्री टैग ये आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है ब्रेक का काम करता है। उसके साथ हमारे पास अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड शो कराना है तो उसके लिए बी का टैग यूज़ होता है। और ये जो है ये बोल्ड का टैग जो है उसके लिए यूज़ होता है। और आप देख रहे हैं कि ये बोल्ड जो है इधर शो हो रहा है और बोल्ड के अल्टरनेटिवली एक और टैग भी यूज़ होता है जिसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं और ये भी सेम काम करता है, ये भी आपके लिए टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। उसके बाद जो है नदर जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जो टैग यूज़ होता है वो आई का टैग है कि ये आपके लिए टेक्स्ट को इटैलिक बनाता है। और उसके बाद जो इस आई का अल्टरनेटिव जो है वो है एम्फेसाइज, ये जो है ये भी आपके लिए टेक्स्ट को इटैलिक बनाता है, ये भी आपके लिए टेक्स्ट को इटैलिक बनाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टैग है वो हमारे साथ है इंसर्टेड टैग। इंसर्टेड टैग जो है ये आपके लिए अंडर लाइन का काम करती है, आपके लिए टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। और अंडरलाइन के लिए यू का टैग भी यूज़ होता है, ये भी अंडरलाइन का काम करता है। इसके बाद जो है मार्क, अगर आपने किसी वर्ड को मार्क करना है तो उसके लिए मार्क का टैग यूज़ होता है। अगर आपने किसी वर्ड को डिलीट, अगर आपने किसी वर्ड को डिलीट शो कराना है तो उसके लिए डिलीट का टैग यूज़ होता है। अगर आपने किसी टेक्स्ट को स्मॉल शो कर अगर आपने किसी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में शो कराना है,
फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स और उसके ऊपर स्क्वेयर को शो कराना है, तो आपने सुपर स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना होगा। अगर आपने किसी वैल्यू को सब, अगर आपने सब में शो करानी है तो आपने सब का टैग यूज़ करना और इसके अंदर एक और अगर आपने किसी चीज़ को बहुत स्मॉल शो कराना है तो आप स्मॉल का टैग यूज़ करके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक्स की पावर ई कर दी है लेकिन मुझे ये सब स्क्रिप्ट में चाहिए, तो ई तो वैसे इसके बराबर होगी लेकिन इसके सब स्क्रिप्ट में शो होगी, लेकिन इसको स्मॉल करने के बाद वो बहुत स्मॉल हो जाएगी। जैसे कि हम स्टैंडर्ड फार्मूलाज में आप देख रहे हैं एक्स और एक्स की वैल्यू जो है वो ई आ गई। अब ये एक्स स्मॉल में मैंने लिखा इसलिए, सो ये जो है ये हमारे साथ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप देख रहे हैं, बोल्ड बोल्ड इटैलिक एम्फेसाइज ये सब सेम काम करते हैं, मार्क डिलीट एक्स स्क्वायर और एक्स ई। सो ये जो है ये हमारे साथ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के होते हैं। अब इनमें अगर मुझे इनको ब्रेक देना है तो उसके लिए ब्रेक का टैग यूज़ होता है बी आर के नाम से। तो देखिए इन दोनों के दरमियान ब्रेक आ गया है, अब मुझे इनके दरमियान ब्रेक चाहिए। सो ये जो है ये इन सब के दरमियान ब्रेक आ गया है। सो ये जो है ये हमारे साथ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप इसको खुद करने की कोशिश करें और जितने एट्रीब्यूट्स हैं आप उसको खुद अप्लाई करने की कोशिश करें और आप इस पर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम HTML के और टैग्स सीखने की कोशिश करेंगे और फोर लेक्चर्स में हम इन ओवरऑल टैग्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ईमेल या आप YouTube पे कमेंट करके मुझसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, या आप W3 Schools की वेबसाइट पे जाके उधर से भी आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में हिंट्स मिल जाएगी। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आपके ऐसे आपको लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी।